अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला था ना वो कि जकात के बारे में कि मदरसों में स्लिप नहीं फरमाना, आपकी जकात अदा नहीं होगी, तो आप लोग को थोड़ा शॉकिंग लगा हुआ होगा ना जी, थोड़ा नहीं बहुत शॉक लगा हुआ होगा। और आप लोग फौरन आपके दिल में ये बात आई होगी, सवाल आए होंगे कब क्या करें, इससे पूछे उससे पूछे उससे पूछे, है ना। ये तहकीक का जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तहकीक का जज्बा हम सब के अंदर आ जाए, ये हमारे लिए जरूरी है, ये फर्ज है तहकीक का जज्बा आ जाए। लेकिन एक गलती की है, एक गलती की होगी मेरा जहां तक गुमान है, वहां तक एक गलती कर बैठे हैं, है ना। जैसे वो सादिक मुल्ला को कोई पूछे कि भाई सादिक मुल्ला चाय का पीना कैसा है, अब सादिक मुल्ला खुद रोजाना मग भर भर के चाय पीता है, सुबह शाम दोपहर को, है ना, आपने ब्रेकफास्ट ब्लॉग में देखा होगा ना। अब मुझे कोई पूछे कि चाय का पीना कैसा है तो मैं क्या कहूंगा, अरे भाई ये तो अच्छी बात है ना, उसके फजाइल और ये और वो सब गुण गान गाने शुरू कर दूंगा, है ना। चाय को मैं बुरा थोड़ा बोलूंगा, मैं खुद पी रहा हूं तो, है ना। आपने पूछा होगा किसी ऐसे लोगों से जो चंदे के कारोबार में मुलव्वस है, किसी ऐसे लोगों से जो मजहब के नाम पे, गरीब बच्चों के नाम पे, दीन की मेहनत के नाम पे, मदरसे के नाम पे, गरीब यतीम बेवा मिस्कीनों और रिश्तेदारों की जकात उड़ा के ले जाते हैं, उनको पूछा होगा आपने। या तो फिर ये डायरेक्ट उड़ाने वाले नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उनको फायदा हो रहा होगा, या कमीशन के जरिए से ये बात आगे चलेगी इंशाल्लाह, है ना, या कमीशन के जरिए से, या नेमतें उनके घरों में आ रही होगी वहां से, तो उनके जरिए से कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली फायदा हो रहा होगा। तो वीडियो क्या कहेंगे, ये क्या फटवा देंगे, आप उनसे पूछेंगे कि तो क्या फटवा देंगे भाई, वो ये फटवा देंगे कि जायज है और इसमें तो दुगना सवाब है, हम खुद पढ़े हैं ना, ये परा वो परा, वो बुजुर्ग परे वो बुजुर्ग वहां से फारिग है ना, और फला बुजुर्ग का फतवा के देखो, ये बुजुर्ग ने ये फतवा दिया है कि जायज है, दिया होगा ना आपको, गलती की होगी ना आप लोगों ने बहुत बड़ी। इसलिए मैं कहता हूं ना उम्मत बहुत भोली है, बहुत भोली है, और लेकिन ये भोली दिन के मामले में है, दुनिया के मामले में नहीं है। हमारा खबर पड़े कि कैनेडा ना वीजा खुली गया तो बोलपन रहेगा बाकी, नहीं बिल्कुल स्मार्ट बन जाएंगे, पूरा पूरा प्रोसीजर जैसा कहा है वैसा प्रोसीजर, है ना, ऊपर से जैसा कहा वैसा प्रोसीजर, बिल्कुल बोलपन नहीं दिखा। लेकिन दिन के मामले में, दिन के मामले में बहुत बोली, और ये उसको बोला बनाया गया है इंटेंशनली। ये बात भी आपको उलमाए किराम की बात सुनाऊंगा, उलमाए किराम से मुलाकात कराऊंगा आप सबको इंशाल्लाह, है ना, कि देखो कैसे हमको भोला बनाया गया है दिन के मामले में, कि दिन के मामले में ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका काम नहीं है, आप इसमें मुंडी मत डालो, है ना। बात समझो यार, आगे बहुत नहीं बोलना है ना, मैं अपनी बात बोलना पसंद नहीं करता, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं ना। तो आलिम की बात, आलिम से मोहब्बत, आलिम लेकिन उलमाए हक है, कौन उलमाए हक, एक तो दो टाइप के है, ये बात भी बाद में करूंगा इंशाल्लाह, बात चालू रहेगी, है ना। दो टाइप के आलिम होते हैं, एक उलमाए हक होते हैं, एक उलमाए सू होते हैं, है ना। दोनों बात आपको बहुत डिफर, दोनों में क्या डिफर है इंशाल्लाह बारीकी के साथ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और भी वो भी उलमाए किराम की बातों के जरिए से बताऊंगा, अपनी नहीं चलाऊंगा। तो उसने तो बुजुर्ग का फतवा दे दिया कि फला बुजुर्ग का फतवा है कि जायज है, अब यहां अल्लाह और उसके रसूल का 1400 साल पहले का फतवा है और कयामत तक के लिए फतवा है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको नजरअंदाज कर दिया, उसको छुपा दिया, जो भी कहो अपने फायदे के लिए, कि ये सामने आ जाएगा ना तो मेरा चंदा रुक जाएगा, मेरी गाड़ी रुक जाएगी, मेरा कारोबार रुक जाएगा। सुन लेते हैं पहले एक मुहक्किक उलमा, उलमा हक की बात, आलिम हक है, उनकी बात सुन लेते हैं। ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, या जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके मां बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी, जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है, और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस जमीन के ऊपर जहां से अल्लाह ने ज़कात को फर्ज किया मक्का मुकरमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की जमीन पर उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। ये बात आपने सुन ली, आज के लिए इतना काफी है। इस
इसके ऊपर गौर करना, फिकर करना, बहुत कुछ आपको सुनने को समझने को बहुत कुछ मिलेगा। पॉजिटिव होके, कैसा पॉजिटिव होके, दुश्मनी के साथ नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, हमको किसी से दुश्मनी, सब हमारे हैं। मैं तो ये समझता हूँ सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, है ना, सब